मेरा दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ रहा था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी पत्नी जवान और खूबसूरत है, मैं उससे शादी करूंगा, क्या तुम अपनी पत्नी की शादी मुझसे करवाओगे? मैंने कभी अपने दोस्त की पत्नी को देखा नहीं था क्योंकि वो मेरे सामने कभी नहीं आती थी। हाँ, मैंने उसकी चर्चाएँ सुनी हैं कि वो बहुत सुंदर है। मेरा दोस्त अपनी पत्नी को बहुत मारता भी था, बिना वजह झगड़ा भी करता था। बात तलाक तक पहुँच गई। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पे बुला लिया। उस दिन मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वह तो मेरी। मेरा नाम राम है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और मेरी माँ और बहन गांव में रहते हैं। मेरा पिताजी अब इस दुनिया में ही नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी उम्र 25 साल है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरा ज़्यादा समय अपने दोस्तों में ही गुजरता था। मेरा दोस्त रमेश दोस्तों में सबसे मशहूर था। उसकी एक अलग पर्सनालिटी है। एक बार जो लड़की उसे देख ले, वह हमेशा उसे याद रखती थी। उसकी उम्र 45 साल हो चुकी थी, लेकिन वह हमसे जवान और हैंडसम लगता था। हम अक्सर उससे उसकी जवानी और फिटनेस का राज पूछते रहते थे। वह कभी भी टेंशन नहीं लेता था, हमेशा खुश रहता था। जबकि रमेश ने 2 शादियाँ की थी, एक ही घर में दोनों पत्नियों को रखता था और उन्हें खूब समय देता था। रमेश कभी कभी हम दोस्तों के साथ होता, बाकी का समय अपने घर के कामों में व्यस्त रहता था। लेकिन आजकल रमेश बहुत परेशान था, क्योंकि वह हमारे साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। एक दिन वह मेरे घर आया और कहने लगा, यार राम, मुझे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी वीरान सी लगती है, इस कमी को अब तीसरी पत्नी ही पूरा कर सकती है। मैंने कहा, पहले से ही तुम्हारी 2 पत्नियाँ हैं और उम्र भी ज़्यादा है, इस उम्र में कौन लड़की तुम्हें देगा? मेरी बातों को नकारते हुए उसने कहा, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी तीसरी शादी में बुलाऊंगा। मैं उसे देखता ही रह गया। जब ये बात मैंने अपने बाकी के दोस्तों से कहा, तो वो कहने लगे, ये बात रमेश के लिए नामुमकिन नहीं है, देखना वो तीसरी शादी करके रहेगा। हमें तो सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके घर तरह तरह का पकवान बनेगा और हम दावत का खूब मजा लेंगे। इस बात पर सब खिलखिला कर हंस पड़े। लेकिन इस बार कुछ और भी हादसा हुआ रमेश के साथ। रमेश 4 महीने के लिए गायब हो गया है, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और बाकी के दोस्तों को भी अपनी शादी में नहीं बुलाया। हमें लगा कि उसने शादी का इरादा ही छोड़ दिया। लेकिन एक दिन रमेश की कजिन की जुबानी पता चला कि उसने 20 साल की लड़की से शादी कर ली है। अब हम सब दोस्त उससे जलने लगे थे। एक वो है जो 45 साल की उम्र में भी 3-3 शादियाँ करके बैठा है, और हम 25-26 साल के हो गए और अब तक कुंवारे हैं। हम दोस्ती में रमेश सबसे बड़ा था। खैर, अब रमेश से यह नाराज़गी कायम रखनी थी, क्योंकि उसने हमें शादी में नहीं बुलाया। और हैरानी वाली बात यह थी कि वह अपनी शादी इतनी सादगी से कैसे कर लिया। एक दिन मैंने रमेश से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं तो खुश हो गया, चलो बहुत दिनों बाद उससे मुलाकात तो होगी। लेकिन जब मैंने रमेश को देखा तो मेरी हैरत की हद ना रही। वह तो सूख कर काटा हो चुका था और उसके सर के बाल आधे हो चुके हैं। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। मैंने परेशानी से पूछा कि क्या बात है, तुम्हें अपनी क्या हालत बना ली है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे चाय वगैरह पिलाई और उसके बाद मैंने उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा, तो वह बहुत उदास हो गया और कहने लगा, क्या बताऊँ मेरे दोस्त, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिया। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, अब तुम ही बताओ मेरे दोस्त, मैं कहाँ जाऊँ? रमेश, जिसकी पहली पत्नी खूबसूरत तो थी लेकिन उम्र ज़्यादा थी, और दूसरी पत्नी से मजबूरी में शादी किया, और जिससे प्यार करके शादी किया उसने ऐसी हालत बना दी है। उसने शादी की पहली ही रात अजीब सा शर्त रखा और कहने लगी, जिस मकान में रहते हो वह मेरे नाम कर दो। वो उस लड़की की मोहब्बत में आकर सारी जायदाद लिख कर उसके नाम कर दी, जबकि उस जायदाद में पहले 2 पत्नियों का भी हिस्सा था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे उसके नाम कर दिया। मैंने अब पूछा कि तुम्हारी पत्नी को अब क्या समस्या है, क्या कहती है वो? आखिर अब सब कुछ अपने नाम तो करवा चुकी है और ये परेशानी तुमने खुद अपनी किस्मत में लिखवाई है। जज्बात में बहकर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। तब मेरे दोस्त ने कहा कि परेशानी यह नहीं है उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, बल्कि उसने एक और इच्छा जाहिर की है। उसने कहा है, तुम अपनी दोनों पत्नियों को तलाक दे दो, बच्चे भले ही अपने पास रख लो, तुम ही बताओ मैं अपनी दोनों पत्नियों को कैसे छोड़ सकता हूँ, उनकी उम्र हो गई है, मेरी पहली पत्नी के मन में जलन है या कुछ और, वह मुझे अकेला करने पर लगी है। मैंने रमेश से कहा कि तुम परेशान मत हो, 2-4 दिन में हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। तभी रमेश ने कहा,
एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं खुद अपने घर की औरतों के झगड़े नहीं सुलझा पाता। रमेश ने कहा कि मुझे लगता है मेरी पत्नी को कम उम्र का नौजवान लड़का चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 20 है और मेरी 45 साल, इसलिए हमारा तालमेल नहीं बन पा रहा है। मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा हूँ। अब ना मेरे पास समय है और ना ही हौसला। तुम उसे खुश रख सकते हो और मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुश हूँ, इसीलिए मैं उसे तलाक दे दूँगा। अगर मैंने उसे तलाक नहीं दिया तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। वह मेरे गले की हड्डी बन गई है, हर दिन उसकी फरमाइश होती है। अब तुम ही बताओ बुढ़ापे में मैं उसकी हर इच्छा कैसे पूरा करूँगा। यह 20 साल की लड़की इस बुढ़ापे में नहीं संभाली जा रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कभी वो कहती है स्विमिंग पूल में जाना है, तो कभी कहती है पहाड़ों की सैर करनी है, और कभी कहती है सिनेमा हॉल ले चलो। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। मैं अब इस लड़की से तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ इस लड़की से तलाक ले लूँ ताकि मेरे सर से बोझ उतर जाए, और दूसरी तरफ चाहता हूँ इसकी शादी एक किसी ऐसे इंसान से करा दूँ जो शादी के बाद मेरी सारी जायदाद मेरे नाम करवा दे। मेरे दोस्त, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूँगा और तुम मुझसे शादी कर लेना और मेरी जायदाद मुझे वापस कर देना। यकीन करो मेरे दोस्त, वह लड़की बहुत खूबसूरत है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं उसकी सुंदरता की लालच में आ गया था, लेकिन वो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती है। वह भी अब मुझे तलाक ही चाहती है। एक तुम ही हो जो मेरी दौलत उस लड़की से दिला सकते हो। बोलो मेरे दोस्त, मेरी मदद करोगे? मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोच में पड़ गया। मैंने रमेश से कहा कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मुझे क्या पता है तुम जिसे खूबसूरत कह रहे हो वह खूबसूरत है भी या नहीं? मैंने रमेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर रहे हो। ठीक है, तुम अगर चाहते हो मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करूं, मैं पहले उसे देखूंगा। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम एक बार मेरे घर आकर मेरी पत्नी को देख तो लो, फिर फैसला करना। मुझे रमेश की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं बस उसकी पत्नी को एक बार देखना चाहता था। मेरे मन में लालच भी आ गया था। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की सारी दौलत को हथिया लूँ और यह कह दूँगा कि तुम्हारी वजह से एक शादीशुदा औरत से शादी करनी पड़ी। यह बात मैं उससे करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर उसकी पत्नी वाकई में सुंदर हुई तो मैं बिना दौलत के भी उसे स्वीकार कर लूँगा। रमेश ने मुझे अगली सुबह बुला लिया और अब मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा। मैंने यह बात अपने करीबी दोस्त को बताया तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे बताना, मैं रमेश की पत्नी से शादी कर लूँगा। मैं भी अभी कुमारा ही हूँ, मुझे भी शादी करना है। तुम तो जानते ही हो मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा रिश्ते भी नहीं आते, और जो लोग आते भी हैं वो मना करके चले जाते हैं। अगली सुबह मैं रमेश के घर की तरफ चल पड़ा। उसका घर शहर में था, उसका पता भूल गया था। मैंने रमेश को फ़ोन करके पता पूछा और मैंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी इस वक्त घर पे मौजूद है? उसने कहा, हाँ तुम आ जाओ। उसने मुझे पता समझा दिया। मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर में उसके घर पहुंच गया और उसके दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाया। दो तीन बेल बजने के बाद मुझे यह महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे की होल से मुझे देखा और वापस पलट गया। मैंने रमेश को फ़ोन भी किया लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैंने सोचा शायद उनकी लड़ाई हो गई है। मैं बाहर रमेश का इंतज़ार करने लगा कब वह बाहर आए और मैं अंदर जाकर उसकी पत्नी से मुलाकात करूं और अपना फ़ैसला सुनाऊं। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया, मैं बाहर खड़ा ही रहा लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। मैंने सोचा अगर रमेश मुझे आकर ये बता दे कि वो अपनी पत्नी से नहीं मिलवा सकता तो मैं चला जाता, लेकिन ये क्या, अब रमेश का नंबर ही बंद आ रहा था। मैं उसके घर भी आया लेकिन उसने दरवाजा तक नहीं खोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये क्या हो रहा था। अब तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा, इस तरह किसी के दरवाजे पर यूं खड़े होना अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि चाचा, रमेश ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसके यहाँ सालों से कोई मेहमान नहीं आया है, फिर तुम यहाँ कैसे बेटा? तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी तेज पत्नी और उसकी माँ इस मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। अगर उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगी।
उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, हर किसी को अपनी खूबसूरती के दबाव में ले आती है। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में रमेश की पत्नी को देखने का शौक और भी बढ़ गया। अब तो मैंने इरादा बना लिया कि उसे देखकर ही रहूँगा और मुलाकात भी करूँगा और मैं उसे शादी भी करूँगा, अब चाहे जो हो जाए। लेकिन उस समय मैं आयुषी से घर वापस आ गया। मैं रमेश का नंबर डायल करता रहा लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था अचानक उसका नंबर बंद क्यों आ रहा था। कई दिन गुजर गए लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन फिर मैं उसके घर गया तो दरवाज़ा उसके नौकर ने खोला। मैंने पूछा कि रमेश है, तो कहने लगा साहब तो नहीं है। मैंने कहा मैम हैं, तो कहने लगा हाँ वो हैं। मैंने कहा बुला दो। आज मैंने सोचा था कि उसकी पत्नी को देख कर ही जाऊँगा, लेकिन जब उसकी पत्नी आई तो मैं उसे देख कर दंग रह गया, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रमेश ने कहा था कि उसकी पत्नी बड़े खुले विचारों वाली है, तो इसने अपने आप को छुपाया क्यों था। मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मुझे अंदर आने को भी नहीं कहा बल्कि दरवाजे से चलता किया, यह कहकर कि अभी मेरे पति घर पे नहीं हैं, जब आएंगे तब आना। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, रमेश ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। वो मुझे अपने पत्नी से मिलवाना ही नहीं चाहता था, उसने अपने दरवाजे पे बुलाकर मेरी इंसल्ट की है। आखिर क्या वजह है जो वो कहकर भी अपनी पत्नी से नहीं मिलवा रहा है। खैर इसी तरह कई दिन और गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त से सलाह मशवरा किया और उसे बताया कि रमेश ने मुझे धोखा दिया है, बोलो उसके साथ क्या किया जाए। उसने मुझे कहा कि उसके घर बिजली के दो तार हैं, मैं एक काट देता हूँ, फिर हम बिजली वाला बनकर बिजली ठीक करने के बहाने जाएंगे और तुम उसके घर के अंदर चले जाना और अंदर के सारे हालात मालूम कर लेना और उसकी पत्नी से भी मिल लेना। मुझे लगता है तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुन सुनकर उस पे मर ही मिटे हो, इसीलिए उसे देखना चाहते हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। इसी तरह दो तीन हफ्ते गुजर गए और इसी बीच मुझे मालूम पड़ा रमेश अपनी दूसरी पत्नी से मिलने दूसरे शहर गया हुआ था। हम बिजली वाले बनकर उसके घर गए, दरवाज़ा उसकी पत्नी ने खोला था। उसे देखते ही जमीन आसमान मेरी आँखों के सामने एक हो गए। मैं आँखें फाड़े फाड़े रमेश की पत्नी को देखने लगा। रमेश की पत्नी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने अपना हुलिया बदला हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सीधे वहां से पलट आया और अपने गांव चला आया और अपनी माँ से कहा, आपने अपनी ही बेटी को बेच दिया, मेरा खून खौल उठा। ये सब देखकर मेरी बहन का कोई दोष नहीं था, मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मेरी माँ ने मुझे बताया तक नहीं और मेरी बहन को एक बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। मैंने माँ से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी, मैं मानती हूँ कि लालच में आ गई थी, लेकिन वह बहुत अमीर इंसान था, इसीलिए मैंने सोचा एक बार उसकी शादी करा दूँगी और सारी जायदाद बेटी के नाम करवा कर उसे तलाक दिलवा दूँगी और फिर उसकी शादी दूसरी जगह करवा दूँगी। लेकिन अब वो इंसान इसे तलाक ही नहीं दे रहा है। फिर मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया और मैंने उसे कहा कि बेटी को भड़काना बंद कर दो, बेटी को उसके पति के खिलाफ भड़काना बंद कर दो। मेरा दोस्त एक अच्छा इंसान है, हाँ उसकी उम्र ज़्यादा है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। अपनी बेटी को पैसे का मशीन मत बनाओ माँ, उसका घर मत बर्बाद करो। माँ को अब पछतावा था। मैं माँ को लेकर रमेश के घर पहुँच गया। मेरी बहन मुझे देख कर डर गई थी और मेरा दोस्त रमेश बहुत शर्मिंदा था। मैंने उसे कहा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने मुझे गले लगा लिया। बहन को भी मैंने खूब समझाया और माँ को लेकर घर आ गया। लेकिन मैं अपनी माँ से इस बात के लिए अभी भी नाराज हूँ। मेरे दोस्त रमेश ने बताया कि अब उसकी पत्नी अच्छे से रहती है, वह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती। मेरी बहन अपने घर में खुशी खुशी रहती है, अब वो मेरी बहन को तलाक भी नहीं देगा। मेरी माँ लालच में आकर अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी और मुझे बताया तक नहीं। दोस्तों यह थी आज की कहानी, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।